कांग्रेस बढ़ रही है हार्ड हिंदुत्व की तरफ। 101 ब्राह्मणों संघ नर्मदा पूजन से चुनावी शंखनाद शुरू होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार यानी कि आज के दिन जबलपुर से विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगी। सुबह सबसे पहले 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा का पूजन करेंगी। कांग्रेस ने पूरे जबलपुर में भगवान हनुमान की 30-30 फीट की गदा प्रतीक के रूप में लगा दी गई है। साफ है कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि हार्ड कोर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। प्रियंका के इस दौरे को कांग्रेस की चुनावी बिसात से भी जोड़ा जा रहा है जो कर्नाटक के बजरंग बली वाली है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हनुमान जयंती से कर चुकी है। तब कमलनाथ और उनके बेटे व सांसद मुकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में हेलीकॉप्टर से हनुमान प्रतिमा पर पुष्पा की वर्षा की थी। तो 300 वीडियो बनाए जा रहे हैं धर्म प्रचार के लिए। कांग्रेस के हिंदुत्व का कार्ड आगे भी जारी रहेगा क्योंकि चुनाव की कोर टीम ने 300 से अधिक ऐसे वीडियो बनाए हैं जो भगवान श्री राम, महाभारत, सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। तो कांग्रेस का अब हार्ड हिंदुत्व शुरू हो गया है 2024 की तगड़ी टक्कर बीजेपी को देने के लिए।